नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जो कि LAC से है। LAC से इंडिया चाइना बॉर्डर से बहुत दिनों से न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो एक न्यूज़ आज आई है और मैं कह सकता हूँ थोड़ी ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। हालांकि बहुत बार इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे भी न्यूज़पेपर को गलत करार दे दिया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको सही मान के चलते हैं जब तक आर्मी या फिर हमारी कोई और फोर्स या सरकार आके इस बात का खंडन नहीं करती है। जब तक तब तक हम इस न्यूज़ को सही मान के चलते हैं। क्या न्यूज़ आई है? तो आपको याद होगा कि लास्ट टू लास्ट मंथ यानी फरवरी में इंडिया और चाइना के बीच में जो पेंगोंग सो का नॉर्थ और साउथ वाला एरिया है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई कि जो बाकी भी फ्रिक्शन पॉइंट है, ऐसे पॉइंट जहाँ पर इंडिया और चाइना की सेना आईबॉल टू आईबॉल मौजूद है, उन सारे पर्टिकुलर पॉइंट से डिसएंगेजमेंट एक प्रोसेस के तहत होगा। और अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि चीन ने कुछ पॉइंट से पीछे हटने को इनकार कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारत को जो चीज़ें मिली हैं उससे खुश रहना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कि चीन का कहना है कि भारत को, क्योंकि वो चाइना पीछे चला गया दो पॉइंट से, तो उसी से खुश हो जाना चाहिए कि भारत ने चाइना को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया एक तरीके से, बाकी जगहों से वो पीछे नहीं जाएंगे। ये पॉइंट कौन से हैं? ये दो पॉइंट जो बेसिकली हैं, ये पहला है आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि हॉट स्प्रिंग में है और दूसरा है पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो कि गोगरा पोस्ट पे स्थित है। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है इसी में से एक पेट्रोलिंग पॉइंट था पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पे गलवान वैली वाली घटना हुई थी, वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था। वहां पे से जब गलवान वाली घटना हुई उसके बाद से ये बात हुई कि अब पीछे हटना है दोनों देशों को, तो सबसे पहले गलवान वैली वाली जगह से दोनों सेनाएं पीछे हटी, फिर आपने देखा कि पेंगोंग सो से पीछे हटी और अभी जबकि ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट ही आप इसे कह सकते हैं, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जो है वहाँ से जस्ट आसपास का एरिया है जिसे कि आप छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके PP17A इसे कहा गया है। लोकेशन कहाँ है तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ समझाना चाहूँगा। ये जो फोटो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसमें आपको गलवान वैली दिख रहा है सबसे ऊपर और गलवान वैली ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है और यहीं से आप नीचे आते हैं तो आपको हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट दिखते हैं। ये काफ़ी आसपास के एरियाज हैं। हॉट स्प्रिंग में पेट्रोल पॉइंट 15 है और गोगरा पोस्ट पे पेट्रोल पॉइंट 17A है। तो ये आप देखते हैं गलवान वैली से काफ़ी दूर है लेकिन ये दोनों अगर आसपास के ही एरिया है, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट ज़्यादा दूरी नहीं है इनकी। और नीचे आपको दिख रहा होगा पेंगोंग सो, यहां से डिसएंगेजमेंट काफी अच्छे तरीके से हो गया था अभी से 1.5-2 महीने पहले लेकिन यहां पे अभी भी क्लैश की सिचुएशन बनी हुई है। ये वाला मैप आपको देख के थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये कहां पे है, क्योंकि इस पॉइंट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि गलवान वैली वाली जगह जो है वो थोड़ी ऊपर थी और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 है ये दोनों थोड़ा नीचे की साइड में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में कहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो चाइना ने किया है क्या ये बिल्कुल सही हो सकता है या नहीं हो सकता है और कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे एक न्यूज़ ये आ रही है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पे सेनाएं कम हुई हैं दोनों ही देशों की। पहले यहाँ पे कंपनी लेवल की सेनाएं मौजूद थी, एक कंपनी में लगभग इंडिया में 100 से 110 के आसपास नंबर्स ऑफ ट्रूप होते हैं और अभी यहाँ पे प्लाटून लेवल की जो आप कह सकते हैं फोर्सेस हैं वो यहाँ पे मौजूद है। प्लाटून लेवल पे आप समझिए 30 से 35 के आसपास की संख्या में फोर्सेस होती हैं एक प्लाटून में। तो एक तरीके से देखा जाए पहले कंपनी लेवल की सेना थी और दूसरे नंबर पे यहाँ पे प्लाटून लेवल की सेनाएं हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि दोनों ही देशों ने डिसएंगेज थोड़ा किया लेकिन कंप्लीट डिसएंगेजमेंट तो तभी माना जाएगा जब यहाँ से प्रॉपर डिसएंगेजमेंट हो जाए। और ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना ने शुरू में ये दिखाने के लिए कि वो डिसएंगेजमेंट को लेके सीरियस है और पेंगोंग सो पे क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा एज में नहीं था, इंडिया के जो वहाँ पे फोर्सेस थे वो एज में थे, तो हो सकता है उस समय ये दिखाने के लिए कंपनी लेवल से अपनी सेना घटा के उसने पहले प्लाटून लेवल पे कर दी यानी कि 100-110 से घटा के 30-35 के आसपास में संख्या कर दी और उसके बाद डिसएंगेजमेंट पेंगोंग सो पे हुआ। और अभी चाइना संख्या तो नहीं बढ़ा रहा है लेकिन जो संख्या वहाँ पे ऑलरेडी तैनात है
उसमें ही अब वो रिजिड हो रहा है कि हम पीछे नहीं जाएंगे। ये कंप्लीटली सच है या नहीं ये तो कुछ दिनों बाद नहीं तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर ये सच है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडिया को फिर कोई स्ट्रेटजिक कदम उठाना पड़ेगा। और चीन की इसी बात से शुरू से हम सबको डर था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया जो भी कर रहा है काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया ने ऑब्वियसली इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो प्लान हमारी आर्मी ने हमारी सरकार ने किया ही होगा कि अगर चाइना अभी जो कह रहा है बाद में उससे मुकर जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। फिलहाल हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर भरोसा बिल्कुल है कि आगे जैसा होगा वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में होगा, हम मजबूती से वहाँ पे खड़े रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है चीन के इस बिहेवियर को देख के, आप भी अपनी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।